अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी बाय करते हैं जिसकी वैल्यू 50 लाख रुपए या इससे ज्यादा है तो आपको 1% का TDS पे करना होता है, ये मैंडेटरी है। ये रूल एग्रीकल्चर लैंड के अलावा सभी प्रॉपर्टीज पर लागू होता है, जैसे कि प्लॉट, फ्लैट, शॉप या कोई बंगलो। TDS आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, इसके लिए फॉर्म 26QB जनरेट करना होता है, उसके बाद पेमेंट करना होता है, जो कि आप इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या बैंक की ब्रांच में जाकर पे कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर्टी पर ऑनलाइन TDS पे करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सेल ऑफ प्रॉपर्टी पर TDS फाइल करने के लिए आपको फॉर्म 26QB जनरेट करना होगा। फॉर्म 26QB जनरेट करने के लिए आपको इस पेज पर आना होगा, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पेज पर आपको TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा फॉर्म 26QB, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म, एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी, इसमें आपको काफी सारे फॉर्म्स मिल जाएंगे। नीचे आपको एक फॉर्म मिलेगा TDS ऑन प्रॉपर्टी फॉर्म 26QB, इसको आप प्रोसीड करेंगे। इसमें आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे कि टैक्स पेयर इन्फो, एड्रेस, प्रॉपर्टी डिटेल्स एंड पेमेंट इन्फो। टैक्स एप्लीकेबल में अगर आप कंपनी है तो पहला ऑप्शन चूज करेंगे, वरना आप सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे अगर आप इंडिविजुअल है। फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर, ये दोनों ऑटोमेटिक आ जाएगा, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद आपको सेलर का स्टेटस चूज करना होगा, वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। इसके बाद यहाँ पर आप बायर का पैन कार्ड नंबर डालेंगे। इसके बाद आप नीचे यहाँ पर बायर का पैन कार्ड नंबर दोबारा से डालेंगे कंफर्म करने के लिए। नीचे यहाँ पर आपको सेलर का पैन कार्ड नंबर डालना होगा और इसके बाद यहाँ पर सेलर का पैन कार्ड नंबर दोबारा से डालेंगे कंफर्म करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको बायर और सेलर दोनों का एड्रेस फिल करना होगा। पहले आप बायर का एड्रेस फिल करेंगे, जिसमें आप सिटी, स्टेट, पिन कोड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालेंगे। अगर एक से ज्यादा बायर है तो आप इसको यस कर देंगे, लेकिन अगर बायर सिर्फ एक है तो आप इसको नो रखेंगे। इसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पर आपको सेलर की डिटेल्स फिल करनी होगी। इसमें भी आपको सेलर का डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालना है। अगर सेलर एक से ज्यादा है तो इसको आप यस कर देंगे, वरना इसको नो रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट। इसके बाद आपको प्रॉपर्टी की डिटेल्स फिल करनी होगी, जिसमें आप पहले चूज करेंगे टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें लैंड और बिल्डिंग आप चूज कर लेंगे। अगर आप कोई प्लॉट ले रहे हैं तो आप लैंड चूज कर लेंगे। अगर आप कोई शॉप, अपार्टमेंट, फ्लैट, बंगलो खरीद रहे हैं तो आप बिल्डिंग चूज कर लेंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पर आप पूरा एड्रेस उस प्रॉपर्टी का फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप एग्रीमेंट या बुकिंग की डेट डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप प्रॉपर्टी की वैल्यू डालेंगे, जिस वैल्यू पर एग्रीमेंट हुआ है वही वैल्यू आपको यहाँ पर डालनी है, और इसी वैल्यू पर आपको 1% का TDS पे करना होगा। इसके बाद पेमेंट टाइप चूज करेंगे, आपने लमसम पे किया है या इंस्टॉलमेंट में। अगर आपने इंस्टॉलमेंट में पे किया है तो आप ये चूज कर लेंगे, और अगर आपने एक साथ पे कर दिया है तो आप लमसम चूज कर लेंगे। सेलर को आपने किस डेट को पेमेंट किया है वो डेट आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप डेट चूज करेंगे, किस डेट को ये टैक्स डिडक्ट हुआ है, तो इसमें भी हम यही डेट डाल देते हैं। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको पेमेंट की डिटेल्स डालनी होगी। जैसे कि मान लीजिए, अगर आपने 1 करोड़ का पेमेंट किया है तो आप करोड़ चूज करेंगे। अगर आपने लाख में पेमेंट किया है तो आप यहाँ पर लाख चूज करेंगे। इसके बाद 1000 चूज करेंगे, कितने 1000 का आपने पेमेंट किया है। इसके बाद टेंस चूज करेंगे। इसके बाद नीचे आपको टैक्स डिपॉजिट डिटेल्स फिल करनी होगी, टोटल अमाउंट आपने कितना पे किया है वो आप यहाँ पर डालेंगे। इस अमाउंट का 1% TDS कट होगा, तो TDS आप कितना पे कर रहे हैं वो आप यहाँ पर डालेंगे। अगर आप लेट पे कर रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट और फीस भी पे करनी होती है, वो आप यहाँ पर डालेंगे। लेकिन हम टाइम पर पे कर रहे हैं तो यहाँ पर हम 0 रखेंगे। इसके बाद नीचे यहाँ पर आ जाएगा टोटल पेमेंट, और वर्ड्स में भी आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जो कि इमीडिएटली हो जाएगा, या फिर आप किसी भी बैंक की ब्रांच में जाकर ये पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम ई टैक्स पेमेंट करेंगे, मतलब ऑनलाइन पे करेंगे। तो इसमें आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे, आप इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं। चलिए हम इंटरनेट बैंकिंग से पे करेंगे, और इसमें हम चूज कर लेंगे HDFC बैंक। इसके बाद ये कैप्चा फिल करेंगे, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही टाइप कर दीजिए। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कंप्लीट डिटेल्स आ जाएगी। एक बार आप सही तरीके से चेक करेंगे पेमेंट करने से पहले। इसके बाद आप कंसेंट देंगे, आई एग्री, इसके बाद कंफर्म। अगर आपको लगता है कोई भी मिस्टेक है तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। आपका रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा, इसको आप सेव करके रख लेंगे। इस एक्नॉलेजमेंट नंबर से आप फॉर्म 26QB को डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसको आप सेव करके रख लेंगे। इसके बाद सबमिट टू द बैंक पर क्लिक
क्लिक करेंगे ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा पेमेंट गेटवे पर। इसमें आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे, रिटेल यूजर और कॉर्पोरेट यूजर। चलिए हम रिटेल वाले पर क्लिक करेंगे। इसमें अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालकर कंटिन्यू करेंगे। अगर आपके एक से ज्यादा अकाउंट है तो आप यहाँ पर अकाउंट चूज कर लेंगे किस अकाउंट से आपको पे करना है। नीचे आप बेसिक टैक्स में टीडीएस अमाउंट डाल देंगे और अगर कोई इंटरेस्ट या लेट फीस लग रही है तो वो भी आप यहां पर डालेंगे। इसके बाद कंटिन्यू, आपके सामने कंप्लीट डिटेल्स आ जाएगी, आप कंफर्म करेंगे। इसके बाद बैंक की तरफ से ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर सबमिट करेंगे, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और यहां से आप रिसीप्ट डाउनलोड कर लेंगे डाउनलोड पर क्लिक करके। इसके बाद अगर आप चाहें तो फॉर्म 26QB डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए आप इसी पेज पर आएंगे और यहां प्रिंट फॉर्म 26QB पर क्लिक करेंगे। ये डाउनलोड करने के लिए आपको यहां पर बायर सेलर दोनों का पैन कार्ड नंबर डालना होगा, यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर डालेंगे, इसके बाद असेसमेंट ईयर यहाँ पर डालेंगे, इसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड फिल करेंगे और प्रोसीड। इसमें आप नीचे कंसेंट देंगे और प्रिंट फॉर्म 26QB पर क्लिक करके इस फॉर्म को प्रिंट कर लेंगे। अगर आपने पेमेंट नहीं किया था तो आप बाद में भी पेमेंट कर सकते हैं, जिसके लिए आप यहाँ पर बैंक चूज करेंगे, सबमिट टू बैंक फॉर ई पेमेंट पर क्लिक करके आप बाद में भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन हमने पेमेंट कर दिया है तो हम यहाँ पर बस फॉर्म 26QB डाउनलोड करेंगे। इसके बाद आपको 5 डेज का वेट करना होगा, 5 डेज के बाद आप फॉर्म 16 भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए आप इस वेबसाइट पर आएंगे tdscpc.gov.in, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आप पहले रजिस्टर एज न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे, इसमें आप चूज कर लेंगे टैक्स पेयर और प्रोसीड। इसमें आप अपना पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, अपना नेम और ये वेरिफिकेशन कोड यहाँ फिल करके प्रोसीड करेंगे। इसके बाद आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाएंगे, इसमें आप थर्ड ऑप्शन फिल करेंगे। फॉर्म 26QB जनरेट करने के बाद जो एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला था वो यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर बायर का पैन कार्ड नंबर डालेंगे, यहाँ पर अमाउंट डालेंगे जितना अमाउंट टीडीएस पे किया है और नीचे यहाँ पर चूज करेंगे अपडेटेड पैन ऑफ द बायर और नीचे यहाँ पर सेलर का पैन कार्ड नंबर डालेंगे और नेक्स्ट। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप यहाँ यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे, पैन कार्ड नंबर डालेंगे और लॉगिन करेंगे। तो इसके बाद आप यहीं से फॉर्म 16 भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ऑनलाइन सेल ऑफ प्रॉपर्टी पर टीडीएस फाइल कर सकते हैं।